हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जनरल अवेयरनेस पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज इसका ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला डैश में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बिहार। सेकंड ऑप्शन, बिहार में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के लिए जो ड्रग यूज होती है वो होती है एजिथर्मोसिन। थर्ड ऑप्शन, एजिथर्मोसिन, इट इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेमेंडस इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है तर्मिंड का, इसका मतलब होता है इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। यूरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो ये होता है हमारे न्यूक्लियस में। फोर्थ ऑप्शन जो है न्यूक्लियस में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेकंड ग्रुप एंड द फोर्थ पीरियड। तो ये क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवधिक तालिका में 18 समूह और 7 अवधि शामिल हैं। 2 समूह और 4 अवधि में दिए गए तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 20, और 20 जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इन सब में से जो है जिंक, टाइटेनियम, सल्फर, फ्लोरीन है, इन सब में से सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है फ्लोरीन का। इन चारों में से, जिंक, टाइटेनियम, सल्फर और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर्स व्हाट डज ALU स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में ALU क्या है। तो ALU का मतलब है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थ कराज। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थ कर हैं। तो ये हैं हमारे जैनिज्म में, जैन धर्म में। फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, मुद्रास्फीति तब होती है जब। तो ये होता है व्हेन देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर टाइम। फर्स्ट ऑप्शन, जब प्राइस जो है जनरली इंक्रीज होते हैं टाइम के साथ तो हमारा इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर।
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैस है जो ओजोन परत को समाप्त कर सकती है? तो इनमें से जो गैस है वो है CCL2 और F2। इसका मतलब हुआ डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, CCL2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ये जो है हमारे ओजोन लेयर को जो है वो समाप्त कर सकती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस, प्लाज्मोडियम जीनस के परजीवी के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम जीनस के कारण जो होता है वो होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन फूड, इनमें से कौन सा भारतीय खाद्य नहीं है? तो भारतीय खाद्य नहीं है हमारा तिरामिसू। ये जो है एक इटालियन डिजर्ट है, कॉफी फ्लेवर्ड तिरामिसू जो है कॉफी फ्लेवर्ड इटालियन डिजर्ट है, तो ये इंडियन फूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिवर्स डू नॉट फ्लो थ्रू पंजाब, इनमें से कौन सी नदियां पंजाब में नहीं बहती है? पंजाब में सतलुज रावी जेलम इनको छोड़ के कौन सी नहीं बहती है? गंगा, गंगा जो है पंजाब में नहीं फ्लो करती, बहती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ डैश पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, डैश के उष्णकटिबंधीय लगभग आधे रास्ते से भारत के पास जाता है। तो इसका जो आंसर वो है कैंसर, सेकंड ऑप्शन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर फाउंड द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, किस मुगल सम्राट ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? पानीपत की लड़ाई जो लड़ी थी 1526 में लड़ी थी बाबर ने, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द पीकॉक थ्रोन वॉज अ फेमस ज्वेल थ्रोन दैट वॉज द सीट ऑफ द डैश एम्परर्स ऑफ इंडिया, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध ज्येष्ठ सिंहासन था जो कि भारत के डैश सम्राटों की सीट थी, तो वो था मुगल, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड एरोसोल कैन, तो इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था एरिक रोदाइम ने, फर्स्ट ऑप्शन एरिक रोदाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप एसी वोल्टेज भी करता है, एसी करंट भी करता है, पर एसी पावर नहीं करता, एसी वोल्टेज को भी करता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो स्टेप अप एसी पावर। नाइनटीन क्वेश्चन क्या है, वट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जो है फिजिक उसके यूनिट्स कौन से हैं?
वो है हमारे एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जो कंट्री है वो है इंडिया। इट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इन अवर कंट्री इज अ डैश राइट। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश है, तो इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। इंडियन सुपर लीग किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ फुटबॉल से, सेकंड ऑप्शन फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द हंगरी टाइड। द हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अमितेव घोष। हंगरी टाइड के ऑथर हैं अमितेव घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मूवी तारे जमीन पर आमिर खान वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर। तारे जमीन के लिए आमिर खान को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बाय डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के डैश जनरेशन द्वारा वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन। फ्रेंड्स, ये थे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी ऐसे ही वीडियोस जो हैं आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।